हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले रिकॉइल को कैसे कंट्रोल करें। ये जो आप देखते हैं ना, एक तरफ सना हुआ एकदम, मतलब पूरे गोली एक ही जगह लग रहे हैं, वो है हमारा जायरोस्कोप का गेम प्ले। जब जायरो आज ही मैं खेलना चालू किया, मीन्स मैंने ये एक दिन में इतना प्रैक्टिस किया है। तो आप सोच सकते हैं अगर आप थोड़ी और प्रैक्टिस कर ले तो कितना हो जाए। सबसे बढ़िया तो ये रहता है कि आप अपने फिंगर को यूज़ करके, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आपको दिख रहा होगा स्कोप के बटन पे, अगर आप स्कोप के बटन पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भी मूवमेंट होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये फायरिंग का बटन देन एक साइड से नीचे करते रहते हैं और अपना जायरो अलग चलता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ जायरो से मास्टरी करनी है तो आपको सेंसिटिविटी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, मीन्स थोड़ी नहीं, मतलब कि हर चीज़ को आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं मार रहा हूँ जायरो से, सिंपली जायरो यूज़ कर रहा था तो मेरा बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था वो गेम। लेकिन अगर आप जायरो को फुल करके सेंसिटिविटी करेंगे तो आपको फिंगर्स की यूज़ ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल्का मैं ट्राई करता हूँ बंदों को ठिलाने का, उसके बाद मैं क्लोज रेंज में दिखाऊँगा जायरो का, मतलब वो मतलब जायरो उस पर तो ट्राई नहीं करूँगा बंदों पर, मतलब सिंपली वो ये जो है ना जो हम लोग जहाँ पे स्पॉन हो रहे हैं वहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर लग नहीं रहा है मेरा शॉट्स, क्योंकि इतने शॉर्ट रेंज में लॉन्ग रेंज का भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है क्या बोल रहे हो भाई। अब यहाँ पे मेरा किल चोरी कर लिया गधा, उसको पता भी नहीं है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं स्कोप चेंज करके आपको बताऊँगा कैसा रहेगा। अच्छा अभी मैं खेलूँगा, नहीं ये गेम प्ले तो पहले कह रहा है रिकॉर्डेड डिस्टेंस में कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से 2 मिनट 30 सेकंड आप स्किप कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। 30 सेकंड आपके वेस्ट नहीं करवाऊँगा। चलो अब शायद तक मैं बताऊँगा। हाँ चलिए अब बता रहे हम। तो यहाँ पर 2x और हॉलो लगाया गया है। अब यहाँ पर बैरल पर हॉलो चला रहा हूँ मैं जायरो सहित, लेकिन ये बहुत अजीब वाले मूवमेंट हो रही है। लेकिन एक चीज़ तो है ना, हॉलो और रेड डॉट या 2x मेनली मिड और मिड रेंज तो नहीं कहूँगा, शॉर्ट रेंज के लिए रहते हैं। अब ये पता नहीं, मैं ऊपर कर लेता हूँ जायरो अपना फ़ोन को, जायरो बार बार बोले जा रहा हूँ। तो ऊपर मतलब नीचे अगर आप करेंगे तो नीचे रहेगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा। उसी कारण मैं स्क्रीन भी रोटेट कर देता है, हल्की सर्दी है मेरे को। अब यहाँ पर ये मेरा फिंगर्स और जायरो का मेल, जैसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ, 3 फिंगर तो आप खेलते ही होंगे, मैं तो 4 फिंगर खेलता हूँ। तो मतलब फिंगर और जायरो का मेल सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। अब यहाँ पर ये M4 पे 2x ये भी हिल रहा है बहुत हद तक, मैं क्राउच करके ट्राई किया। हाँ अगर आप क्राउच या प्रोन करेंगे तो आपको रिकॉइल महसूस ही नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं अपनी जायरो सेंसिटिविटी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये सेटिंग्स अपनी सेंसिटिविटी, और ये हाई पे है, मीन्स पूरी हाई पे। अब अगर मैं 2x फुल कर दिया तो क्या होगा, तो ज़्यादा मूवमेंट होगी हल्के से हिलाने पे, और उसके कारण रिकॉइल होगा ही नहीं, मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लेकिन रिकॉइल नहीं होगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब इसको मैं रेड डॉट पर ट्राई करूँ, मतलब हॉलो पर ट्राई करेंगे। ये देखिए मैं हल्का तो ऊपर किया, ऊपर पूरा चला गया, मीन्स आपको मोबाइल को एकदम स्ट्रेटली पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन तो कभी मत कीजिएगा जायरो को, जब तक आप सीखे नहीं है वो आपकी बैंड बजा के रख देगा। रेड डॉट नो स्कोप 3x स्कोप, एज ये 3 स्कोप हम मिड रेंज में यूज़ करते हैं तो ये सही है, मतलब इसको हम लोग 200 मैक्स रहता है वो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो अब आपको मैं इतना बता चुका हूँ, अब समझ गए होगे। लेकिन 4x और 6x को आप ज़्यादा से ज़्यादा 80-100 उससे ऊपर मत कीजिएगा। अब ये थोड़ा नॉर्मल सा गेम प्ले, अगर आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना तो चले जाइए। वैसे भी मैं न्यूली ही जायरो पे शिफ्ट किया हूँ, आज सुबह ही सुबह हाफ एन आवर में मैं शिफ्ट किया हूँ, तो कुछ गेम प्ले मेरे को अभी आता नहीं है जायरो पे, मतलब पहले थोड़ा ट्राई किया था लेकिन अभी उतना कुछ मास्टरी नहीं है जो आप देखने में आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।